देवराज ये लीजिए। आनंदम आनंद, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे हृदय पर पड़ा एक बहुत बड़ा प्रस्तर उतर गया। आज ये समारोह नहीं होना चाहिए, नृत्य आरंभ करो। जो आ गया देवराज। ये कैसे हो गया? क्या हुआ प्रभु? आपकी सनाया ध्यान से लौटने का कारण क्या है? क्या हो गया बताइए ना प्रभु, किस बात ने आपको इतना चिंतित कर दिया? हुआ नहीं है देवी, तो होने वाला है, और जो होने वाला है वो बहुत अनिष्टकारी है। अनिष्टकारी प्रभु, ऐसा क्या अनिष्टकारी होने वाला है? स्पष्ट कीजिए ना प्रभु। आप शीघ्र जान जाएंगे दीदी। क्या बहुत ही चिंताजनक होने वाला है प्रभु? चिंताजनक तो है गौरव, उसके परिणाम की सोचकर हम भी अत्यधिक चिंतित हैं। प्रभु मुझे सब कुछ स्पष्ट कीजिए ना। अभी समय नहीं आया दीदी। समय स्वयं ही आपको सब कुछ स्पष्ट कर देगा। शुदा, मुझे भूख लगी है।
मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना, मुझे खाना खाना, मुझे खाना खाना, खाना खाना, खाना भूख, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। पृथ्वी तो बहुत खाद्य आच्छादित हो गई है, अब मेरी सहस्राब्दियों की भूख शांत होगी। भूख मिटाने का समय आ गया है, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद इंद्रदेव। सृष्टि मां, मेरी मुक्ति हो गई है, अब मैं अपने कार्य पर लग जाता हूं।
स्वामी, हनुमान को पिशाच लोग गए हुए 15 दिवस बीत गए हैं, अब तो बुला लीजिए उन्हें। अंजना, ये कैसी बातें कर रही हो? पर हनुमान और कोई स्थान पर नहीं, अपनी छोटी माँ और भाई के साथ है। उसे कुछ दिवस और रहने दीजिए। और यहाँ पर आकर भी क्या करेगा वो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं उन्हें देखे बिना व्याकुल हो रही हूँ। आज कितने दिवस हो गए, मैंने उनको देखा नहीं है। हनुमान को भी 11 वर्षों बाद उसके भाई का पता चला है। और सत्य तो ये है कि यदि हमें राज्य और आपकी चिंता ना होती तो हम भी वहां कुछ दिवस और रहकर आते। अर्थात आप मेरे पुत्र को नहीं बुलाएंगे? अंजना, हनुमान भी आपके बिना अधिक दिवस दूर नहीं रह सकते, वो स्वयं आ जाएंगे। आप उन्हें उनकी मौसी और भाई के पास कुछ दिन और आनंदित रहने दीजिए। आप कहें तो हम दोनों कुछ दिवस के लिए भ्रमण पर निकलते हैं। मुझे कहीं भ्रमण करने नहीं जाना आपके साथ। मैं तो यहाँ पर यह सोचकर आई थी कि आपसे विनती करूंगी कि हनुमान को बुलाइए। यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं स्वयं ही बुला लेती हूँ। अंजना, हमारी आपसे विनती है, हनुमान को कुछ दिवस और अवकाश पर रहने दें। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। धन्यवाद प्रकृति माँ, मुझे शक्तिशाली बनाने हेतु आपने मेरे लिए इतना आहार तैयार कर रखा है। अब मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा मिटाऊंगा और फिर ब्रह्मांड के हर ग्रह पर जाकर जाओ, पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाओ और मेरी सुधा शांत करो। जाओ, जाओ, जाओ। प्रभु, पृथ्वी पर अचानक से अकाल कैसे आ गया? देवी, यही बात थी जिसने हमें चिंतित कर रखा है। यह कार्य समय पूर्व ही हो गया। किंतु प्रभु, अकाल मुक्ति की कुंजी तो इंद्रदेव के पास थी और अकाल तो द्वापर के अंत में आने वाला था, फिर कैसे आ गया प्रभु? इंद्र की एक भूल से। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु, इंद्र की भूल के कारण कैसे? जैसा आपने कहा देवी, अकाल को द्वापर के अंत में ही पृथ्वी पर आना था, जिसे खोलने की कुंजी देवराज इंद्र के पास थी। किंतु देवराज की एक भूल से वह कुंजी टूट गई और अकाल मुक्त हो गया। ओ, प्रभु, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। इससे तो प्रकृति के कार्य में बाधा पड़ेगी। प्रकृति ही नहीं, देवी, इससे बहुत सारे कार्यकलापों में बाधा पड़ेगी। देवराज बार बार इतनी भूल कर रहे हैं, उन्हें क्षमा करना
हमारे लिए भी कठिन हो गया। किंतु मनोजव तो इंद्रपद पर पूरे वैवस्वत मनवंतर रहने वाले है ना, तो उन्हें समझाने का कोई और उपाय करना चाहिए ना। देवी, मनोजव समझाने और क्षमा करने के दायरे से बहुत बाहर आ चुके हैं। तो क्या जो आप सोच रही हैं, हम भी वही सोच रहे हैं। किंतु उसके लिए सर्वप्रथम हमें विष्णु जी से वार्ता करनी होगी। तो आप विष्णु जी से वार्ता कब करेंगे प्रभु? पृथ्वी पर घोर संकट आन पड़ा है। पृथ्वी ही नहीं देवी, आज ब्रह्मांड का हर वो ग्रह जहां जीवन है संकट में। इंद्र को पाठ पढ़ाना अनिवार्य ही नहीं, अविलंबित ही है। आज भोर में उनकी सभा समाप्त हुई और अप्सराओं कुछ देवताओं के साथ वो भ्रमण पर चले गए। इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं पता। दास जी महारानी, ये तो किसी कुंजी का भाग लगता है। ये किस क्षेत्र की कुंजी का भाग है? क्या ये किसी कार्य का नहीं? क्षमा करें महाराणा, इस प्रकार की चाबी तो मैंने कभी नहीं देखी। कदाचित देवराज को ज्ञात हो कि ये किस क्षेत्र की कुंजी है। पर देवराज का तो स्वयं ही कुछ पता नहीं। ठीक है, तुम जाओ अपना कार्य करो। श्री हरि नारायण 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 नारायण। बहुत दिन हो गए पृथ्वी पर भ्रमण नहीं किया, अचानक क्या क्या बदल गया। हमारे श्री राम कैसे हो गए, हमारे हनुमान नारायण नारायण, हमारे हनुमान कैसे होंगे? अब सब कुछ ज्ञात करना होगा हमें। नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण, ये क्या, ये क्या प्रभु? अकाल, समय से 14 लाख वर्ष पूर्व अकाल। नारायण नारायण, मुझे पहले प्रभु से इस अनावृष्टि की जानकारी लेनी होगी। नारायण नारायण, हे प्रभु, मेरे ध्यान में जाने और लौट आने तक इतना सब कुछ बदल जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। कहो दास, राज्य के लोगों के लिए जल की व्यवस्था हुई? हमने जो नवीन कुप खोदने के आदेश दिए थे उसका कुछ हुआ? महाराज, वही सूचना लेकर आया हूं। 10 नवीन कुप खोदे गए किंतु किसी कुप में जल नहीं फूट रहा। समस्त कुंड सूख चुके हैं, मात्र 2 ही सरोवर बचे हैं जिनमें जल की मात्रा बहुत ही कम। कदाचित 2-4 दिवस में वो जल भी समाप्त हो जाएगा। परंतु वस्तुतः ऐसी स्थिति आई कैसे? अनायास ही पृथ्वी इतनी शुष्क हो गई और जल विहीन कैसे हो गई? स्वामी, कहीं ये किसी देव का प्रकोप तो नहीं? हम कुछ नहीं जानते अंजना, हम मात्र इतना कह सकते हैं
कि हमारे राज्य के लोग दुखी और कालांत हैं और हमें उनकी चिंता हो रही है। महाराज, एक सुझाव देने की विनती है। आज्ञा है। इस संकट के समय में यदि आपके पास कोई उत्तम सुझाव है तो अवश्य दीजिए। यदि ये किसी देव का प्रकोप भी है तो भी हनुमान कदाचित इस प्रकोप को शांत करने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज सकते थे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हनुमान को पिशाच लोक से बुला लिया जाए। सुझाव तो आपका उत्तम है। आप एक काम कीजिए, दूत से कहे कि नहीं महाराज, रुकिए। क्या हुआ इंद्रा? नहीं, हनुमान को यहाँ पर बुलाने की क्या आवश्यकता है? अंजना, अभी कुछ दिवस पूर्व ही आप हट लगा के बैठे थे कि हनुमान को वापस बुला लीजिए। और अब? हाँ स्वामी, मैं कह रही थी, परंतु तब मेरी मनस्थिति ठीक नहीं थी, परंतु आज पृथ्वी की दशा ठीक नहीं है। मैं जानबूझकर मेरे पुत्र को संकट में क्यों डालूं? पता नहीं आगे न जाने कितने संकट आएंगे, और यदि यह देवों के प्रकोप के कारण हो रहा है तो उसका उपाय कोई न कोई ऋषिवर अवश्य बताएंगे, और यदि कोई और कारण है तो हम भी तो ज्ञात कर सकते हैं ना। हम सब मिलकर इस समस्या का उपाय ढूंढ लेंगे स्वामी, परंतु उसके लिए मेरे पुत्र को सुख से दुख में क्यों झोंका जाए? कथन तो आप कर सकते हैं अंजना, और इस संकट का उपाय हम स्वयं भी खोज सकते हैं। दास, आप जाइए और हनुमान के स्थान पर गौतम ऋषि को यह संदेश भेजिए कि वो सास सम्मान हमारे राज्य में पधारे और हमारे कल्याण के लिए वो कोई नया मार्ग सोचे। जी महाराज। और हाँ, हनुमान को किसी दूसरे दूत को भेजकर संदेश पहुंचाइए कि यदि वो चाहे तो पिशाच लोक में और दिवस रुक सकते हैं। जी महारानी। अंजना, आप भी ना? क्या? कुछ नहीं। अब आपका हृदय आपके पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल नहीं हो रहा है? उसको मिलने के लिए मेरी व्याकुलता और अधिक बढ़ गई है स्वामी, परंतु उसके साथ साथ मुझे उसके स्वास्थ्य और सुख की भी चिंता है। यहां पर बहुत बड़ा संकट आया है, और आगे न जाने और कितने संकट आएंगे। इतना तो मैं आश्वस्त हूं कि मेरा पुत्र पिशाच लोक में कम से कम सुखी तो है, क्यों मैं उसे सुख में से दुख में डालूं? नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते, प्रणाम देवर्षि, प्रणाम नारद जी। आपके मुखमंडल पर ये चिंता की रेखाएं मैं स्पष्ट देख सकता हूं। क्या समाधि में जाना सफल नहीं हुआ? प्रभु, समाधि में जाना तो पूर्ण रूप से सफल रहा, किंतु समाधि से बाहर आते ही ये चिंता की रेखा मेरे मुख पर विराजमान हो गई है। प्रभु, यदि समय रहते मेरे प्रश्नों का निवारण नहीं किया गया तो कदाचित ये चिंता की रेखाएं मेरे मुख पर स्थायी रूप से अंकित होकर मेरे मुख को किसी मरुस्थल के भांति बंजर बना देंगी। प्रभु, प्रश्न पूछने का ये नवीन मार्ग मैं पसंद आया देवऋषि, तो कृपया उत्तर देने का भी कष्ट कीजिए ना प्रभु। जो कार्य समय से पूर्व हो जाए उनकी आयु अधिक नहीं होती, यह सत्य तो आप भी भली भांति जानते हैं। किंतु प्रभु, मेरे हृदय में प्रश्नों की बाढ़ आई हुई। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष आ जाएंगे देवऋषि, आप नहा की चिंतित हो रहे। किंतु प्रभु, समय से पूर्व अनावृष्टि? आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए देवऋषि। आपकी बात पर तो पूर्ण रूप से विश्वास है प्रभु,
किंतु प्रभु मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दीजिए ना। इस समय पूर्व समस्या का समाधान करने हेतु कौन है? समय आने पर आपको भी सब पता चल जाएगा देवर्षि। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु आपने देवर्षि को कुछ भी नहीं बताया? नारद को अभी से जानकारी देना अनुचित हो जाता देव। नारद जी ठहरे जिज्ञासु प्रभु। वैसे भी वो त्रिकाल दर्शी, वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु मार्ग ढूंढ ही लेंगे। किंतु हम भी वही चाहते हैं देवी कि नारद जी स्वयं अपने स्तर पर इस समस्या में उतर जाएं, क्योंकि वो इस समस्या का समाधान करने वाले कारक को ढूंढकर उसे कार्य पर लगा ही देंगे। प्रणाम हनुमान। अरे दूत महोदय प्रणाम। कहिए क्या समाचार है? घर में सब सकुशल तो है ना? मुझे पता है कि मुझे सुमेरु से बाहर कहीं दिवस हो गए और माता व्याकुल हों, इसलिए उन्होंने आपको भेजा है ना? नहीं हनुमान, आपका अनुमान अशुद्ध है। वस्तुतः महारानी ने मुझे कोई और संदेश लेकर भेजा है। कोई और संदेश? कैसा संदेश? हनुमान, महारानी ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप 6 माह और पिशाच लोक में अपनी छोटी माँ और भाई के साथ ही रहिए। क्या? जी हाँ हनुमान। किंतु माता को मेरा स्मरण नहीं होगा। उन्हें आपकी याद अवश्य आएगी हनुमान, किंतु आपके भाई अत्रि के साथ रहकर उसे राज्य स्थापित करने में सहायता करना आवश्यक है। ठीक, अब माता को जाकर बोल दीजिए कि मैं अद्रि के राज्य को सुचारू कराने के बाद ही लौटूंगा। मुझे आज्ञा दे हनुमान। प्रणाम। प्रणाम हनुमान। अद्रि का राज्य तो सुचारू रूप से चल ही रहा है और मैं पिताश्री को भी 2 सप्ताह पहले ही सूचना दे चुका हूँ। फिर माता ने ये संदेश क्यों भिजवाया कि मैं 6 माह और यहाँ पर व्यतीत करने के उपरांत ही सुमेरु में वापस लौटा? कोई ना कोई कारण तो अवश्य, अन्यथा माँ मुझे इस प्रकार सुमेरु से इतने अधिक समय तक दूर नहीं रहने देंगी। मुझे अद्रि से कहकर सुमेरु जाकर जांच करनी चाहिए कि माता के मुझे इस प्रकार रोकने का कारण क्या है। वनस्पतियों तो सभी समाप्त कर दी हैं और पीने योग्य जल भी मैंने हर लिया है। अब पक्षियों की बारी है और उसके उपरांत पशुओं की, और फिर मैं मनुष्यों को समाप्त करूंगा। अरे अरे ये क्या हो गया? ये पल्लव, ये वृक्ष आदि, ये सब सूख कैसे गए? ये सब कैसे हो गया? हाँ, पृथ्वी की ओर लौटते समय मुझे पृथ्वी पर हरियाली कम पीत अधिक दिखाई दे रहे थे,
कहीं ये पीती तो इस सुखे का कारण नहीं? ये पल्लव, ये वृक्षादि, ये सब सूख कैसे गए? ये सब कैसे हो गया? हाँ, पृथ्वी की ओर लौटते समय मुझे पृथ्वी पर हरियाली कम, पीत अधिक दिखाई दे रहे थे। कहीं ये पीत तो इस सूखे का कारण नहीं? अर्थात, हे प्रभु, अर्थात पूरी पृथ्वी इस अनावृष्टि की चपेट में आ गई, तो मुझे माता पिता से शीघ्र ही बात करनी चाहिए। मृगांगनी, रात्रि को जब हम आकाश में इन गतिमान तारों को देखते हैं ना, हमारा मन एक बालक की भांति कुलाचने मारने लगता है। मृगांगनी, क्यों देवराज? हम सात भाइयों में तृतीय हूं। हमारे सबसे बड़े भैया यज्ञदेव विष्णु के प्रथम अवतार थे। हमारे बड़े भाई इतने कठोर थे कि हम सभी भाई उनके आगे शान थे। अच्छा देवराज। हाँ मर्दा। देवराज, आप अभी इतने नटखट हैं, बचपन में तो आप बहुत ही उद्यन्य होंगे। हाँ, हम बहुत उद्यम। एक बार हम अपने भैया को बिना बताए ब्रह्मांड भ्रमण के लिए निकल गए, और जो जो हमने ब्रह्मांड में देखा वो आज तक हमारे इन चक्षुओं में प्रतिबिंबित है। जब हम लौट कर आए तो पता नहीं कैसे बड़े भैया को ज्ञात हो गया कि हम ब्रह्मांड के भ्रमण को गए। उन्होंने मुझे अपने पूरे कार्यकाल तक एक गुफा में बंदी बनाकर रखा। हम लौट कर आए तो पता नहीं कैसे बड़े भैया को ज्ञात हो गया कि हम ब्रह्मांड के भ्रमण को गए। उन्होंने मुझे अपने पूरे कार्यकाल तक एक गुफा में बंदी बनाकर रखा। उस गुफा में इतना इतना अंधेरा था मर्दांगी कि ऐसा अंधकार तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा। इसके पश्चात हमारे भाई बृहस्पति के इंद्र बनने के बाद उन्होंने भी अपने कार्यकाल में मुझे उस गुफा से नहीं निकाला। ये प्रकाश के दर्शन तो हमें तब हुए जब हमारा इंद्र बनना तय हो चुका था। तब से मैं अपने जीवन और अपने राजकाल को पूर्ण रूप से जी लेना चाहता हूँ। ब्रह्मांड के कोने कोने में जाकर उसकी गतिविधि देखना चाहता हूँ। नृत्य करना चाहता हूँ, संगीत सुनना चाहता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम देवराजेंद्र। वो सब तो ठीक है देवराज, किंतु आपको जो इतना महत्वपूर्ण पद दे रखा है, कभी उस पर भी ध्यान दिया कीजिए। हमें पूर्ण ध्यान है देवर्षि, आप हम पर लांछन मत लगाइए। नारायण नारायण। मैं आप पर लांछन लगाऊं? मुझे क्या इस ब्रह्मांड में नहीं रहना है? देवराज इंद्र, मैं आप पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल आपको स्थिति से अवगत कराने आया हूं। कैसे परिस्थिति? नारायण नारायण। देखा, मैंने कहा था ना, यदि आप आनंद के साथ साथ थोड़ा सा कार्य पर भी ध्यान देते ना, तो आपको अवश्य ज्ञात होता कि क्या परिस्थिति चल रही है। देवर्षि, आप कृपया भोर में दरबार में आकर अपनी व्यथा रखें। अभी हमारा मन ब्रह्मांड भ्रमण का कर रहा है। चलो मर्दा। नारायण नारायण।
मैं आपके राज्य का निवासी नहीं हूं देवराज, आप स्वर्ग लोक के राजा हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी वासियों के लिए आपके बहुत से कर्तव्य हैं देवराज। आपको अपने कर्तव्यों से विमुख देखकर मैं आपको समझाने आया, लेकिन आप लेकिन किंतु परंतु क्या आप हमसे इस तरह वार्ता ना ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। हमें नहीं सुनना कुछ कि क्या हुआ है क्या नहीं, और ना ही हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। देवराज, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि पृथ्वी लोक की क्या दशा हो गई है। कुछ नहीं हुआ पृथ्वी को। मैंने जब प्रमाण भ्रमण से पूर्व पृथ्वी को देखा था तो सब ठीक था। देवराज इंद्र, पृथ्वी लोक पर अचानक ही अनावृष्टि हो गई। होगा कोई प्रकृति का प्रकोप, इसमें आप मुझ पर लांछन क्यों लगा रहे हैं? अर्थात आप अपनी किसी भी भूल को स्वीकार नहीं करेंगे देवराज? हमें नहीं ज्ञात कि हमसे कोई ऐसी भूल हुई जिससे पृथ्वी पर ऐसा कोई प्रकोप आया। और हाँ देव, आपके इस सूचना देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जा सकते हैं। यदि हमें लगेगा कि हमें पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहिए तो हम अवश्य। देवराज, केवल आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। देव ऋषि, हमने कहा ना कि हमें लगेगा कि हमें पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहिए तो हम करेंगे। क्या हुआ, आप इतनी चिंतित क्यों? प्रभु, आप तो कह रहे थे कि पृथ्वी के कष्टों का निवारक कारक बनकर कोई आने वाला है, किंतु मुझे तो कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, पृथ्वी की दशा अकाल के कारण दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, और आपने इंद्रदेव की भूल के लिए भी कोई पग नहीं उठाया। आप चिंतित ना हो देवी, हमने जिस कारक की बात की थी वे कोई और नहीं, स्वयं हनुमान वही हैं जिनके हाथों पृथ्वी के कष्टों का अंत होगा, और देवराज इंद्र को उनकी भूल का दंड भी मिलेगा। कैसे होगा प्रभु, वो तो अभी तक अपनी ग्लानी से बाहर नहीं आ पा रहे। क्या कारण है, इतनी देर क्यों लग रही है प्रभु? देर तो केवल नारद जी के आने में है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रभु, मैं अपने प्रश्न का उत्तर खोजने हेतु स्वर्ग लोक गया था, किंतु वहां पर आपका तिरस्कार हो गया। हाँ प्रभु, देवराज इंद्र ने जिस प्रकार मुझसे वार्ता की उन्होंने आज तक नहीं की थी। प्रभु, उनका गर्व तो इस प्रकार बढ़ गया है कि वो किसी जीव को जीव ही नहीं समझ रहे, और पृथ्वी की बिगड़ती दशा के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं। प्रभु, समस्या तो गंभीर है देवऋषि, क्या आप कोई मार्ग बताएंगे? नारायण नारायण। प्रभु, मार्ग बताने वाले तो आप हैं, मैं कौन? मार्ग तो स्वयं आप भी जानते हैं देवऋषि, किंतु प्रभु हनुमान तो ग्लानि से भरे अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। यदि वो इसी प्रकार अपने कक्ष में बैठे रहेंगे तो इस पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, और इस प्रकार इंद्र की धृष्टता पर अंकुश कौन लगाएगा प्रभु? हे चपल जीवा नारद, आप ये प्रश्न मुझसे कर रहे हैं? आपको तो स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। ठीक है प्रभु, कैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण।
हनुमान, भ्रमवश भूल किसी से भी हो जाती है पुत्र। जो भूल हो गई उसे तो हम सही नहीं कर सकते ना, और इसीलिए जो भूल हो गई है उसके ग्लानि करने के स्थान पर तुम आगे बढ़ो और अन्य आवश्यक कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित करो ना। और फिर तुम्हारे पिताश्री गए तो है असुर लोग मृडासुर से वार्ता करने, इससे बड़ी अपनी भूल की क्षमा याचना और क्या होगी। किंतु माते, मैं ऐसे बिना विचार के किसी पर इस प्रकार हाथ कैसे उठा सकता हूँ? ये मुझसे ऐसे कैसे हो गया? पुत्र, जो हो गया है उसे भूल जाओ। पिताश्री, मृदासुर जी ने क्या कहा? वो मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं मैं उसे भोगने के लिए तैयार हूँ। पुत्र, मृदासुर जी ने दंड स्वरूप उनके विवाह दिवस पर आपके दर्शन की इच्छा प्रकट की है। देखा पुत्र, मैंने कहा था ना, तुम्हारे पिताश्री गए हैं वार्ता करने, वो सब कुछ ठीक करके आ जाएंगे। अब तो प्रसन्न हो ना, मृदासुर जी ने तुम्हारी भूल को क्षमा कर दिया है। किंतु माते, मुझे अभी भी व्याकुलता है। हनुमान, एक काम करो, तुम उद्यान में चले जाओ और अपने मित्रों से मिलो, उनके साथ समय व्यतीत करोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। नहीं माते, अभी नहीं। हनुमान, पूरी पृथ्वी तो बंजर कर दी है, अब मुझे समुद्र की समाप्ति करनी चाहिए। करती हो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा हो। पूरे ब्रह्मांड के नृत्य में इतनी बड़ी बाधा हो रही है और आप यहाँ पर नृत्य का आनंद ले रहे हैं? आओ, ये नृत्य का आनंद लो। ये नवीन अप्सरा हमारे स्वर्ग लोगों को, इनका नाम पतंगनी है। मैं एक सप्ताह से आपसे कुछ आवश्यक वार्ता करना चाहती हूँ, किंतु एक सप्ताह से ना तो आप दरबार में आए हैं और ना ही महल में। कब बाहर निकलेंगे आप इस रंगशाला से? मैं आपसे तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? आपको पता है ना कि आपका यहाँ आना वर्जित है, फिर भी हम आपको प्रेम पूर्वक इस नृत्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं आता, किंतु मुझे आपसे कुछ आवश्यक वार्ता करनी है। देखो कुंजी, आपको हमसे जो भी वार्ता करनी हो वो हम इस नृत्य समापन के बाद सुनेंगे।
तब तक के लिए आप महल में जाओ और हमारी दीक्षा करो। जा। और हाँ सुनो, आगे से जब भी हम इस रंगशाला में हो तो आपको स्वयं यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। किसी दूत को भेजकर आप सूचना भिजवा सकते हैं। आपको पता है ना, स्त्रियों का आना यहाँ बहुत जरूरी है। जिसके नृत्य का आप आनंद ले रहे हैं वो भी एक स्त्री ही है। नृत्य करो। कल रात्रि कुछ लोग नगर छोड़ के चले गए महाराज। महाराज, यदि इसी प्रकार लोग नगर छोड़ के जाते रहे तो सुमेरु वीरान हो जाएगा महाराज। किंतु हमने तो रात्रि में नगर के द्वार बंद करने का आदेश दिए थे, फिर लोग रात्रि में जा कैसे सकते हैं? महाराज, हुआ ऐसा था कि मेरा समय दिवस काल है और जो दूसरा संतरी प्रधान है अनुज, उसका रात्रि का समय है। कल शाम को मैंने द्वार की कुंजियां देकर और प्रहरी छोड़कर गया था, किंतु जब मैं सुबह द्वार पर पहुंचा तो ना ही अनुज थे और ना ही प्रहरी। अर्थात अनुज अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहा, हर एक कार्य दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यदि एक व्यक्ति अपने कार्य का पालन पूर्ण रूप से नहीं करता है तो उससे जुड़े समस्त कार्य अपूर्ण हो जाते हैं। आज अनुज की एक छोटी सी भूल के कारण कुछ लोग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि हमारा समस्त सारा राज्य यवान हो। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु लोगों के नगर छोड़ के जाने का एक और भी कारण है। हम जानते हैं हमारे राज्य के सारे कुंड और सरोवर। महाराज, क्योंकि नगर वासियों को सूचित कर दिया गया था कि कोई नगर छोड़कर ना जाए, किंतु कोई और मार्ग नहीं होगा महाराज। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। कहिए अंजना। क्यों ना हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ आयोजित कर, कदाचित यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव समय से पूर्व ही वर्षा का आरंभ कर दे। आपका सुझाव तो अति उत्तम है अंजना। मंत्री जी, आप गौतम ऋषि को संदेश भेजिए कि वो अतिशीघ्र यथाशीघ्र हमारे राज्य में आए और हमें दर्शन दे। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, हमने जो खाद्यान्न और जल हेतु स्वर्ण मुद्राओं से भरी 9 बैलगाड़ियां भेजी थी उनका कोई समाचार? नहीं महाराज, कदाचित इस राज्य के आसपास इतना अन्न जल नहीं कि हम क्रय कर सके। महाराज, ऐसे ही हमें सूचना मिलेगी आपको सूचित कर दूंगा। इस समस्या से हमें शीघ्र ही मुक्ति पानी होगी। मुझसे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक निरपराधी का अंत कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना क्रोध कैसे कर सकता हूँ कि बिना सोचे समझे? प्रभु, मुझे दंड दीजिए। प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, भूल के लिए दंड जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा, और आप अपनी ग्लानियों को अपने कर्तव्य से विमुख होने का बहाना बनाए हो। नहीं देवर्षि, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आप तो दुखी कलांत हैं कि आपके हाथों किसी निरपराध का वध हो गया। किंतु हनुमान, आप यही सब कब तक सोचते रहे? हनुमान, भूल के लिए दंड जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा,
और आप अपनी ग्लानी को अपने कर्तव्य से विमुख होने का बहाना बनाए हुए? नहीं देवर्षि, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आप तो दुखी कलांत हैं कि आपके हाथों किसी निरपराध का वध हो गया। किंतु हनुमान, आप यही सब कब तक सोचते रहेंगे? संकट काल में हमें अपने दुख को छोड़कर उस दुख के बारे में चिंता करनी चाहिए जो दुख सर्वव्यापी है। किंतु आप क्या कर रहे हैं हनुमान, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने दुख से दुखी होकर उस दुख को भूल गए जो दुख आपके पूरी प्रजा को कष्ट दे रहा है, आपके पूरे राज्य को कष्ट दे रहा है। हनुमान, संकट काल में एक साधारण सा मनुष्य भी, एक साधारण सा मनुष्य भी दूसरे मनुष्य के काम आता है, और आप तो सुमेरु के राजकुमार हैं हनुमान, आप तो सुमेरु के राजकुमार हैं। यदि आपके कर्तव्य भी मुझे आपको गिनाने पड़ेंगे तो धिक्कार है हनुमान। किंतु नहीं हनुमान, ये समय किंतु परंतु का नहीं है हनुमान। और मृतसुर ने तो आपको क्षमा कर दिया हनुमान, तो आप किस ग्लानि से भरे हैं? देवर्षि, भले ही मृदासुर जी ने मुझे क्षमा कर दिया, किंतु जिस असुर जी की जान मेरे हाथों गई है। नारायण नारायण। हनुमान, कदाचित आपको ज्ञात ना हो कि असुर राज के विवाह में 11 असुर अपने रक्त की आहुतियां देते हैं, और मृदासुर ने जिस दूत को आपके समक्ष भेजा था उसकी अंतिम इच्छा ही आपके हाथों अपना बलिदान देने की थी। हनुमान नारायण नारायण। हनुमान, कदाचित आपको ज्ञात ना हो कि असुर राज के विवाह में 11 असुर अपने रक्त की आहुतियां देते हैं, और मृदासुर ने जिस दूत को आपके समक्ष भेजा था उसकी अंतिम इच्छा ही आपके हाथों अपना बलिदान देने की थी। हनुमान, देवर्षि, ये कैसी प्रथा है? इसीलिए तो वो असुर हैं हनुमान, इसीलिए तो वो असुर हैं। आप यदि मृदासुर के विवाह में जाते तो आपको उस असुर को वहां स्वयं समाप्त करना पड़ता, तो आपने यहाँ कर दिया, इसमें क्या अंतर है हनुमान? मैं नहीं करता। आपको करना होता हनुमान, आपको करना ही होता, क्योंकि जब आप किसी के अतिथि बनकर जाते हैं तो उस देश और काल के नियमों से बंधे हुए होते हैं आप हनुमान। देवर्षि, आपके कहने का अर्थ ये है कि उस असुर की मृत्यु का पाप? पाप? ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान? वो असुर तो स्वयं आपके हाथों समाप्त होना चाहिए। और एक और बात हनुमान, पाप और पुण्य का निर्धारण तो यम लोक में बैठे यमराज करते हैं, उनके दंड से आप और मैं भी नहीं बच सकते हनुमान। उस राक्षस का मारा जाना कदाचित आपका परोक्ष पाप, किंतु आज आप अपने कर्तव्य का पालन ना करके प्रत्यक्ष पाप कर रहे हैं। क्या आपको इस बात की पीड़ा नहीं? मुझे क्षमा करें देवर्षि, मैं ये समझ गया कि मुझे अपने राज्य के निवासियों के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था हनुमान। हाँ, कदाचित आप एक काम कीजिएगा हनुमान, वन में जाकर प्रभु शिव का ध्यान कर लीजिए। कदाचित उनको आपको कोई संदेश देना है हनुमान। अवश्य देवर्षि, मैं अवश्य कर शिव जी की आज्ञा मैं नहीं डालूंगा, जीवन जाकर उनकी साधना अवश्य करूँ। नारायण नारायण। चलो महाराज के पास। सैनिक, इन्हें क्यों पकड़ कर लाए? महाराज, ये आत्महत्या करने जा रहा था, और मैंने जब इसे देखा तो आपके समक्ष ले आया। आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं?
आप जानते हैं ना आत्महत्या करना पाप है। महाराज, राज्य में कहीं पीने योग्य पानी नहीं है, खाने के लिए कहीं अन्न नहीं बचा। मेरी बीवी और मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर प्राण त्याग चुके हैं। मेरे जीवित रहकर क्या करूं महाराज, क्या करूं? मृत्यु दंड ही दे दीजिए महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए महाराज। मंत्री, राज्य के लोगों के लिए जल की व्यवस्था कैसे की जाए? महाराज, राज्य के सभी जल कुंड, कूप और ताल पूरी तरह सूख चुके हैं महाराज। तो फिर हमारे महल में जल कहां से आ रहा है?